हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकुक एफएफ इन द स्पेलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक वन शॉट बिलियनर बॉय फॉल इन लव विद ए इनोसेंट फार्मर बॉय। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जॉन कुक जो एक बिलियनर बॉय है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। उसके फादर बहुत ही घमंडी है, जॉन कुक को हमेशा कहते हैं, दोस्त ऐसा बनाना जिसके पास तुम्हारे जितना पैसा होना चाहिए, तुमसे कम हो ठीक है, लेकिन तुमसे ज़्यादा भी नहीं और तुमसे इतना कम भी नहीं कि तुम्हारे साथ उठने बैठने का उसकी औकात ना हो। तो जॉन कुक ने हमेशा यही बात अपनी डैड से सुना है। तो क्या जॉन कुक भी ऐसा ही है या फिर वो कुछ अलग सोच रखते हैं, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। हमारा त्यांग एक फार्मर बॉय है। वो लोग इतना पैसे वाला अमीर तो नहीं, लेकिन इन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है और ये लोग इतना गरीब भी नहीं। देगु में सबसे ज़्यादा ज़मीन त्यांग की मॉम डैड के पास ही है। वो लोग बहुत अच्छे से फसल को उगाते हैं। त्यांग भी बचपन से यही सब कुछ देख रहे थे, तो उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो भी बड़ा बन के ये सब कुछ ही करेगा। इसलिए वो अभी से ही उसके डैड के साथ ये सब कुछ करने के लिए ज़मीन में जाते हैं। लेकिन उसके डैड हमेशा कहते हैं, तुम इन सब को टच मत करो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी फार्मर बनो, तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ जीना है, तुम जहाँ जाके पढ़ाई करना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा और तुम जाके अपना स्टडी करना ठीक है, तुम्हें यहाँ पे रह के ये सब कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। त्यांग की मॉम कहते हैं, क्या बोल रहे हो, वो हमसे दूर चला जाएगा। त्यांग की डैड कहते हैं, हाँ क्योंकि वो यहाँ पर रहेगा तो वो भी मेरी तरह ही फार्मर बनेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लेकिन त्यांग को तो उसके डैड के जैसा फार्मर ही बनना था, वो तो यही सपना देखते हैं कि हाँ मेरे डैड फार्मर है तो मैं भी फार्मर ही हूँ। उसके डैड जब बीमार होते हैं, त्यांग इतनी सी छोटी उम्र में वो ज़मीन में जाते हैं, फसल को देखते हैं और बाहर से फ्रूट्स को तोड़ कर लाते हैं और उसको बाज़ार में लेकर जाते हैं बेचने के लिए, और ख़ुद भी वो एक टेस्ट करके देखते हैं कि वो कितना टेस्टी है, कितना प्योर है, और उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। उसके डैड जैसा ही वो एक बहुत बड़ा फार्मर बनना चाहते हैं ताकि वो इतने सारे ज़मीन को टेक केयर कर सके। लेकिन उसके डैड को ये अच्छा नहीं लगता है कि त्यांग इस उम्र में ज़मीन में जाके काम करे और उसको बाज़ार में बिकने के लिए जाए। तो फिर उसके डैड उसको कहते हैं, बहुत हो गया, अब तुम कोरिया जाओगे और वहाँ जाके बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करोगे, उसके बाद वहाँ की यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले हो, समझे तुम। त्यांग कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, वहाँ पे सब लोग कितने स्टाइलिश हैंडसम हैं, वो लोग मुझे थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, वो लोग मेरा बुली करेगा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पे रह के ये सब कुछ सीखना है और आपके जैसा फार्मर बनना है। त्यांग की डैड उसको ज़बरदस्ती उसके अंकल के साथ कोरिया भेज देते हैं। त्यांग बहुत रो रहा था, उसकी मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो अपनी मॉम डैड की केयर करना चाहते हैं। लेकिन उसके मॉम डैड कहते हैं, नहीं तुम अपनी करियर के बारे में सोचो, तुम यहाँ पे मत रहो। तो उसको जाना ही पड़ा उसके अंकल के साथ। उसके अंकल को समझा रहे थे, त्यांग मत रो, तुम्हारी डैड सच बोल रहे हैं, अगर तुम बहुत अच्छा से स्टडी कर लोगे ना और बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे तो तुम्हारे डैड को बहुत खुशी होगा, तुम उन लोगों को कोरिया ले आ सकोगे, वो लोग भी यहाँ पे आके रह सकेंगे, तुम नहीं चाहते हो कि वो लोग कोरिया आए। त्यांग कहते हैं, लेकिन हाँ मैं ये तो चाहता हूँ, लेकिन डैड और मॉम देगू में रहना पसंद करते हैं, वो लोग कोरिया बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो मुझे यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है, मैं उन दोनों के बिना यहाँ पे कैसे रहूँगा। तो उसके अंकल कहते हैं, तुम यहाँ पे बहुत खुश रहोगे, थोड़े दिन के लिए खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्यांग कहते हैं, क्या ज़बरदस्ती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उन लोग को क्या प्रॉब्लम है, मुझे ज़बरदस्ती कोरिया भेज दिया, तो फिर मुझे तो वो सब कुछ ही पसंद आ रहा था, क्योंकि त्यांग को ज़मीन में जाके वो फसल देखना, वो ताज़े ताज़े फ्रूट्स को तोड़ना, उसको खाना, उसको बिकना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, वो उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो इतना इनोसेंट है कि उसने तो कोरिया में रह के बहुत अच्छा लाइफ जीने के बारे में सोचा ही नहीं था। त्यांग के अंकल उसको कोरिया में लेकर आने के बाद एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिट कर देते हैं और उसको पहले दिन में ही जॉन कुक के साथ टकरा जाते हैं।
जॉन कुक जो सेल्फी ले रहा था। त्यांग के साथ टकरा जाने के बाद उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। त्यांग उसको सॉरी बोल रहे थे, सॉरी मैंने देखा नहीं, तुम्हारा इतना अच्छा फ़ोन टूट गया मेरी वजह से। जॉन कुक कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ त्यांग को देखे जा रहे थे कि इसके फेस कितना इनोसेंट लग रहा है, ये कितना हैंडसम है। त्यांग और उसके अंकल बहुत डर गए थे, उन लोगों को लग रहा था अभी शायद ये लड़का बहुत गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा अब। लेकिन जॉन कुक को तो त्यांग को देखने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था, वो तो उसको देख ही जा रहे थे, उसको बहुत घूर घूर के देख रहा था ऊपर से नीचे तक। त्यांग की फेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। तो फिर जॉन कुक ने त्यांग की फेस को पकड़ लिया और उसकी गाल को पकड़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारी ये चीक कितना सॉफ्ट है। त्यांग कहते हैं, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? जॉन कुक कहते हैं, नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? तुम्हारा नाम क्या है? त्यांग कहते हैं, किम तेओंग। जॉन कुक बोलते हैं, हाँ ऐसे क्यों नाम है तुम्हारा इतना बड़ा, छोटा करके नहीं बोल सकते हो? तुम्हारा कोई निकनेम है? त्यांग कहते हैं, ए निकनेम क्या होते हैं? जॉन कुक बोलते हैं, जैसे कि मेरा नेम है जियोन जॉन कुक, लेकिन सब लोग मुझे जेके बोलते हैं। वैसे तुम्हारा कोई तो निकनेम होगा छोटा सा प्यारा सा। तो फिर त्यांग कहते हैं, हाँ भी, बहुत ही ज़ोर से बोलते हैं और सब लोग उसको तरफ देख रहे थे कि भी, और सब लोग बोलते हैं, ये कहाँ से चलाया, ये तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, शायद वो गांव से आए हैं। सब लोग उसको देख के हंस रहे थे। जॉन कुक सब लोग को एक जोर से बोलते हैं, चुप हो जाओ, तुम लोग यहाँ पे हंस क्यों रहे हो? वो हमारी तरह इंसान ही है, तो उसको देखकर हंसने की ज़रूरत क्या है? हाँ तुम लोग जाओ यहाँ से। सब लोग बोलते हैं, क्या बात है, जॉन कुक ये सब कुछ बोल रहे हैं? जेके तो बहुत ही अच्छा है, उसके डैड जैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग सिर्फ लोगों की मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जॉन कुक कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो फिर जॉन कुक त्यांग को कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो? त्यांग कहते हैं, मैं देगू से आया हूँ। और फिर जॉन कुक बोलते हैं, ओ तुम देगू से हो, तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, तुम तो नेचुरल ब्यूटी हो, मुझे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। त्यांग कहते हैं, क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करोगे? जॉन कुक बोलते हैं, किस लिए? त्यांग कहते हैं, मैंने तुम्हारा फ़ोन जो तोड़ दिया है, बहुत कीमती होगा ना? जॉन कुक कहते हैं, इसके बारे में आप सोचना बंद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। त्यांग उस फ़ोन को पकड़ के बोलते हैं, ये तो बहुत कीमती लग रहा है, ये कितने के होंगे? जॉन कुक बोलते हैं, ये ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ के हैं। ये सुन के त्यांग की सर बहुत ही घूमने लगते हैं, उसके अंकल तो बेहोश होने वाले थे। तो फिर जॉन कुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना शॉक क्यों हो गए हो? चलो इसको छोड़ो भी, अभी हम जाके बात करते हैं, क्या तुम यहाँ पे रह के पढ़ाई करने वाले हो? तो फिर त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं इस स्कूल के हॉस्टल पे रह के पढ़ाई करने वाला हूँ। और तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम भी हॉस्टल में रहते हो? जॉन कुक मुस्करा के कहते हैं, नहीं मैं अपने घर में रहता हूँ और एवरीडे स्कूल आता हूँ, कभी कभी मिस भी करता हूँ, लेकिन अब से एवरीडे आया करूँगा क्योंकि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तो फिर त्यांग कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया है। जॉन को कहते हैं, एक ही बात बार बार मत बोला करो, मुझे पसंद नहीं। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिल गया है पहले दिन में ही, तो फिर चलो इस खुशी में अब मैं चलता हूँ। तो तुम तुम्हारा नाम क्या बोला था? तो फिर जॉन को बोलते हैं, मेरा नाम है जेके। तो त्यांग के अंकल कहते हैं, जेके क्या तुम मेरे नेफ्यू की ध्यान रख सकते हो, तो मैं चैन से मेरे गांव जा सकता हो? जॉन कुक बोलते हैं, ठीक है मैं भी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो फिर त्यांग के अंकल उसको बाय बोलते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, तुम दोनों बहुत अच्छे से रहना, ठीक है मैं चलता हूँ। और वो यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग और जॉन कुक के बीच में बहुत अच्छे से दोस्ती बन जाते हैं। त्यांग और जॉन कुक बहुत मस्ती करते हैं, साथ में घूमते हैं, क्योंकि त्यांग के यहाँ पर कोई नहीं था, तो जॉन कुक हमेशा त्यांग के साथ ही टाइम बिताते हैं। जब भी उसको मौका मिलते हैं वो त्यांग से मिलने के लिए स्कूल के हॉस्टल पर आ जाते हैं। और फिर एक दिन वो त्यांग को कहते हैं, क्या तुम मेरे घर आके रह सकते हो? त्यांग कहते हैं, क्या मैं और तुम्हारे घर? नहीं मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूँ? जॉन कुक बोलते हैं, क्यों नहीं?
तो फिर तुम और मैं साथ में स्कूल आया करेंगे, और साथ में जब घर जाएंगे साथ में गेम खेलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जॉन कुक बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम एक बार मान जाओ और उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम ये मत बताना कि तुम देगू से आए हो, तुम ये बोलना कि तुम यहाँ पे रहते हो और तुम मेरे दोस्त हो और मेरे साथ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हो, ठीक है। तो फिर त्यांग कहता है, लेकिन वो क्यों? जॉन कुक बोलते हैं, जैसा कहता हो वैसा ही करो। तो फिर जॉन कुक की बात त्यांग मान लेते हैं, क्योंकि उसको भी उसके साथ रहना पसंद था। और ऐसे ही त्यांग अब जॉन कुक के साथ उसके घर आके रहना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं बताया है कि वो स्कूल के हॉस्टल पे नहीं रहते हैं, वो जॉन कुक के घर पे रहते हैं। जॉन कुक की डैड को ऐसा लगता है कि त्यांग भी बहुत ही बिलियनर का एक सन है, तो वो कुछ नहीं कहते हैं और उन दोनों को साथ में रहने देते हैं कि उसकी बेटे ने इतना एक अच्छा लड़के को लेकर आया। लेकिन हमेशा जॉन कुक यही बोलते हैं, ये इतना सिंपल क्यों है? तो जॉन कुक ने त्यांग को स्टाइलिश बनाने की कोशिश किया, उसने भी उसको वो ही कपड़े पहनने के लिए दिया जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइनर कपड़े और गुची ब्रांड के। तो त्यांग भी बोलते हैं, ए कितने के होंगे? जॉन कुक बोलते हैं, तुम प्राइस के बारे में क्यों सोचते हो? तुम सिर्फ इस कपड़ों को पहन के कंफर्टेबल हो ना। त्यांग कहते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर बोलते हैं, तो फिर इसको पहन के रहो, ठीक है। और फिर ये दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। अब जॉन कुक और त्यांग के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया था, जॉन कुक और त्यांग बहुत अच्छे से रहना शुरू कर दिया था, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे से प्यार होने लग गए थे। जॉन कुक तो पहले ही त्यांग को देख के उसको प्यार कर बैठा था, लेकिन जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे वो लोग कॉलेज में उठ गए हैं। ये दोनों अब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो अब वो दोनों भी एडल्ट हो गए हैं। अब एक दिन जॉन कुक त्यांग को बोलते हैं, त्यांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तो फिर त्यांग उसको हाँ बोल देते हैं, क्योंकि त्यांग को भी जॉन कुक पसंद है। लेकिन जैसे ही इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रहे थे, त्यांग को डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं जॉन कुक की डैड को यह ना पता चल जाए कि वो गांव से आए हैं, वो देगू से है, और जॉन कुक की डैड उससे गुस्सा ना करे। वो यही नहीं चाहते हैं कि जॉन कुक को डांट पड़े। तो जॉन कुक को वो बोलते हैं, जॉन कुक मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हम दोनों की बीच में ऐसा क्या हो गया है कि तुम अलग होना चाहते हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ त्यांग, तुम मेरी बातों को समझो, भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर भी कहते हैं, जेके मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारी तरह रहना तो सीख गया, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कहाँ से हूँ, मैं कैसा हूँ। तुम्हारे डैड को ही पता नहीं, उनको लगता है कि मैं कोई बिलियनर का सन हूँ, लेकिन मैं एक फार्मर का सन हूँ। तो मुझे अपनी औकात पता होना चाहिए, ना कि रिच बन के किसी को धोखा देना। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। जॉन कुक बोलते हैं, तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हाँ, हम दोनों ने झूठ कहा है मेरे डैड से। ये सारी बातों को सुन लेते हैं जॉन कुक की डैड और कहते हैं, क्या ये देगू से है, एक फार्मर के सन है, अभी मेरे घर से निकल जाओ। त्यांग को घर से निकल देते हैं, तो जॉन कुक भी त्यांग के साथ निकल जाने के लिए अपना बैग पैक कर लेते हैं। जॉन कुक के डैड बोलते हैं, जॉन कुक कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं जाने के लिए कहा, मैंने तो इस लड़के को जाने के लिए कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई? झूठ बोल के मेरे घर रह रहा था। अब जाओ तुम यहाँ से और तुम कहीं मत जाना। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर वो यहाँ पर नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा, ठीक है। तो जॉन कुक कैसा जा रहा था, उसकी पैर बम उसको आके पकड़ लेते हैं। तो जॉन कुक बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? बम भी अपना सर हिलाता है, तो उसको भी उन दोनों के साथ लेकर जाते हैं। अब जॉन कुक त्यांग उसके गांव आ गए थे देगो, और फिर त्यांग बोलते हैं, मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर आया, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को क्या कहूँगा? मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया था, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छा जॉब करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अंकल ने कहा मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और डैड और मॉम को कोरिया लेकर आना है, लेकिन वो सब कुछ तो हुआ ही नहीं, और इससे पहले हम दोनों को देगू आना पड़ा। जॉन कुक बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम सब कुछ कर लोगे, मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हारे साथ हूँ,
क्या तुम डरते हो कि तुम्हारी पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम डर रहे हो? त्यांग कहते हैं, नहीं, मैं जानता हूँ अगर मैं अपनी पेरेंट्स को कहूँगा वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो लोग ये भी सोचेंगे क्योंकि तुम बिलियनर हो और हम लोग फार्मर हैं, तो हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो जंको बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, चलो तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाते हैं और देखते हैं तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं मेरे साथ। क्या वो लोग भी मुझे तुम्हारे घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर यहाँ पे रहने के लिए देते हैं? त्यांग बोलते हैं, मुझे अपने पेरेंट्स पे पूरा भरोसा है, वो तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा। और फिर त्यांग जॉनकोक को अपने घर लेकर जाते और त्यांग के पेरेंट्स से जॉनकोक को मिलाता है। बोलते हैं, ये मेरा लवर है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड ये नहीं चाहते हैं। क्या आप लोग भी यही चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाए? तो त्यांग की मम कहते हैं, नहीं, ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, जॉन कुक के डैड को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? त्यांग कहते हैं, थैंक यू सो मच। और जॉन कुक उन दोनों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अम्मा अप्पा आप लोग कितने अच्छे हो। त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, क्या कहा तुमने, अम्मा अप्पा? जॉन कुक कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम फ़ोन पे तो ऐसे बात करते हो ना, तो मैं भी इस तरह से इन दोनों को बोलूँगा, अम्मा अप्पा। तो फिर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं, बोलते आज से तुम मेरे सन हो। त्यांग सिर्फ मेरा सन नहीं, तुम भी हो। त्यांग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जॉनकोक को एक्सेप्ट कर लिया है वो लोगों ने। अब त्यांग यहाँ पे पहले जैसे रहते थे वैसे रहना शुरू कर दिया है। उसके जैसा ही जॉनकोक भी रहना शुरू कर दिया है। उसके जैसे ही सिंपल कपड़े पहनते हैं, उसके जैसे ही फार्मर बनने की कोशिश करते हैं, उसके ज़मीन में जाते हैं, उसके जैसे फ्रूट्स को तोड़ते हैं, उसको बिकने के लिए बाज़ार जाते हैं। जॉनकोक को ये सब कुछ करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। तो फिर जॉनकोक का त्यांग यहाँ पे एक फूड स्टॉल खोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के साथ जूस बनाते हैं, सैंडविच, बहुत सारे कुछ बनाते हैं। मतलब त्यांग की ज़मीन में जो उगते हैं वो सारी चीज़ों से खाना बना के और उन सारी डिशेस को ये दोनों साथ में सेल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे इन दोनों की बनाए हुए जूस और सैंडविच, बर्गर, जो कुछ भी है सब कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे से इन लोगों की स्टॉल बड़ा होने लग गया था और अब ये तो फेमस बन गए थे। देगू में सबसे बड़ा फेमस स्टॉल थे त्यांग और जॉनकोक के, जो तेकुक के नाम पे खुला हुआ था। और फिर इसके बारे में जॉनकोक की डैड को भी पता चलते हैं कि ये दोनों गाँव में एक बहुत बड़ा स्टॉल बनाया है जो बहुत ही फेमस है। तो फिर जॉनकोक की डैड को समझ में आ जाते हैं, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, शायद उन्होंने गलती कर दिया है, वो भी इंसान है, मुझे ऐसे उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ऐसे तो मैं अपने बेटे को ही खो दूंगा, इसे तो अच्छा है कि मैं दोनों को ही एक्सेप्ट कर लूँ, वो लोग साथ में आकर खुश है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो जॉनकोक की खुशी से खुश होना चाहिए। और फिर जॉनकोक की डैड जॉनकोक को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं, घर वापस आ जाओ, मैं तुम दोनों की रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। जॉनकोक बोलते हैं, आप मजाक कर रहे हो ना, क्या झूठ बोल रहे हो आप, कहीं हमें घर लेकर जाने के बाद हम दोनों को अलग करने की कोशिश तो नहीं करोगे? तो जॉनकोक की डैड बोलते हैं, क्या ये कोई ड्रामा है क्या जो मैं तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आऊँगा और तुम्हारे पार्टनर को पैसे देकर बहुत बुरा भला कहूँगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना है तुम लोगों ने एक तेकुक स्टॉल खोला है जो बहुत ही फेमस है, तुम लोगों को इतना साथ में खुश देखते हुए मैंने सोचा है कि मैं कौन होता हूँ तुम दोनों को अलग रखने वाले। जॉनकोक बोलते हैं, डैड आप नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? त्यांग साइड में बैठा हुआ था, वो उसको इशारा से बोलते हैं, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, वो नाटक क्यों करेंगे, तुम पहले जाकर तो देखो। तो जॉनकोक बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, जोर से कहो। त्यांग कहते हैं, जॉनकोक तुम अपनी डैड से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, तुम पहले घर जाओ और वो जो कहते हैं वो ही सुनो, अगर तुम्हारे डैड चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाए हम दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स के मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, वरना लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं हम। तो फिर जॉनकोक की डैड कहते हैं, देखा उसको भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए, लेकिन तुम नहीं सुनते हो। जॉनकोक बोलते हैं, क्या मतलब है, इसका मतलब आप यही चाहते हो कि मैं त्यांग को छोड़ दूँ? तो जॉनकोक की डैड बोलते हैं, तुम बिल्कुल बुद्धू हो,
तुम त्यांग को दो। तो जॉन को बोलते हैं क्यों, उसके डैड कहते हैं दो पहले उसको। त्यांग को फ़ोन देने के बाद जॉन को के डैड कहते हैं त्यांग तुम जॉन को के साथ कोरिया वापस आ जाओ, मैं तुम दोनों को शादी देने वाला हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को भी साथ में लेकर आना, और फिर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करनी है। तो कब बात कराओगे मुझे, त्यांग बोलते हैं क्या सच में आप सच बोल रहे हो। तो जॉन को के डैड बोलते हैं हाँ तो कब कराना चाहोगे, त्यांग कहते हैं जब आप बात करना चाहोगे। तो फिर जॉन को के डैड बोलते हैं ठीक है मैं उन लोग को कॉल कर दूंगा, मुझे नंबर सेंड कर देना। तो त्यांग बोलते हैं ओके। जॉन को बोलते हैं डैड ने तुम्हें क्या कहा, क्या तुम्हें पैसे ऑफर किया और कहा कि मुझे छोड़ दो। त्यांग कहते हैं नहीं जॉन को तुम अपने डैड को गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं और हम दोनों की शादी कराना चाहते हैं। त्यांग खुश होकर जॉन कुक का गले लगा लेते हैं, जॉन कुक भी त्यांग को टाइटली हक करते हैं और फिर जॉन कुक त्यांग के होठों पे किस कर लेते हैं, उसको बहुत ही डीप किस कर रहा था। त्यांग भी जॉन कुक को नहीं रोकते हैं क्योंकि वो भी उसको किस करना चाहते थे, ये दोनों बहुत खुश थे, आखिर में इन दोनों के रिश्ते को मंजूरी मिल गया है और ये दोनों शादी करने वाले हैं। जॉन कुक की डैड त्यांग की मॉम डैड को कॉल करते हैं और फिर उन दोनों को और जॉन कुक और त्यांग की शादी की डेट फिक्स करते हैं। तो जॉन कुक की डैड बोलते हैं आप लोग क्या चाहते हो, जॉन कुक और त्यांग की शादी कहाँ हो। त्यांग की डैड और मॉम कहते हैं उस जगह पे हम आ जाएंगे और पैसे की फिक्र मत कीजिए क्योंकि हम गांव में रहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और हम त्यांग और जॉन कुक की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। और फिर जॉन कुक की डैड कहते हैं तो फिर ठीक है इन दोनों से पूछ लेते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। जॉन कुक और त्यांग बोलते हैं हम दोनों यहाँ पे रह के शादी करना चाहते हैं डेगू में। तो फिर जॉन कुक बोलते हैं हाँ मैं त्यांग को शादी करके कोरिया ले जाऊँगा मेरे पास। क्यों त्यांग तुम मेरे साथ कोरिया नहीं रहोगे, त्यांग कहते हैं हाँ क्यों नहीं लेकिन कभी कभी हम डेगू में भी आएंगे। जॉन कुक बोलते हैं ठीक है कुछ दिन हम कोरिया में रहेंगे कुछ दिन हम डेगू में रहेंगे क्योंकि मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगा। आखिर में जॉन कुक के डैड को डेगू में आना पड़ा। डेगू में आने के बाद जॉन कुक और त्यांग की शादी कराते हैं। अब इन दोनों की शादी हो गए थे तो फिर जॉन कुक और त्यांग आज रात को यहाँ पे रुकने वाले हैं और सुबह को कोरिया चले जाएंगे और आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। त्यांग और जॉन कुक के कमरे को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। जॉन कुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको किस करते करते बेड तक लेकर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कपड़े को फाड़ रहे थे जैसे कि पागल हो गए हैं, कितने दिनों से ये सब कुछ करने के लिए बेचैन थे। और जॉन कुक त्यांग को खाने वाले हैं, उसकी पूरी फेस पे किस कर रहा था, उसकी बॉडी पे टांग से शक कर रहे थे। त्यांग बोलते हैं क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही शाई फील हो रहा है। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं शाई फील करने से क्या होता है, अब हम दोनों हस्बैंड हैं और अब तो ये सब कुछ करना बनता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। त्यांग कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर जॉन कुक उसके ऊपर चले आते हैं और उन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। सुबह को जब ये दोनों नींद से उठते हैं जॉन कुक दोबारा से त्यांग के होठों पे किस करते हैं और उसके साथ दोबारा से शुरू हो जाते हैं, उसकी पूरी फेस पे किस कर रहा था। त्यांग कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ अब ऐसा मत करो क्योंकि हमें कोरिया भी जाना है वरना मैं जर्नी नहीं कर पाऊँगा। जॉन कुक बोलते हैं मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊँगा बेबी, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो। त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं तुम बहुत ही नॉटी हो। तो फिर जॉन कुक कहते हैं थोड़ा सा और नॉटी बन के दिखाए और फिर जॉन कुक त्यांग के साथ नॉटी हरकत करना शुरू करते हैं और उसके बाद ये दोनों साथ में फ्रेश हो जाते हैं और तैयार होकर बाहर आते हैं। ये दोनों त्यांग के पेरेंट्स के साथ और जॉन कुक डैड मॉम यहाँ पे थे, सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं कोरिया जाने के लिए और वहाँ जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ने स्टडी को कंप्लीट नहीं किया था तो अब कोरिया आने के बाद अपनी रिश्ते के साथ साथ स्टडी भी कंप्लीट करना होगा इन दोनों को। और अब ये दोनों पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, फिर भी पढ़ाई में भी ध्यान दे रहा था और रोमांस में भी ध्यान दे रहा था, ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। इन दोनों को जब छुट्टी मिल जाते हैं तो दोनों देगू आ जाते हैं।
तियांग की पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का ये नेचुरल व्यू जॉनकुक को बहुत पसंद है और यहाँ पे रहने के बाद ये दोनों ही खुश थे। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, कभी कोरिया तो कभी देगू। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगे, और अच्छे लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।